हेलो जी, क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके साथ एक नई वीडियो लेके अभी खत्म में हाजिर हुई हूँ। तो आप हमारे चैनल को भी इतना आदमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियो को वॉच किया करें और लाइक किया करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। और जी, आज का जो मेरा टॉपिक है, बिना गर्दन वाला इंसान है जो उसने हाथ उठाई हुई है यूट्यूब पे, जहाँ भी उसकी वीडियो खोल लो वैसे नाचता नाचता भागता दौड़ता नज़र आ रहा होता है, तो उसकी गर्दन है नहीं है सिरे से। तो ये देखे ना, मेरी गर्दन है तो उसकी गर्दन नहीं है। तो थोड़ी बहुत भी गर्दन हो तो काम चल जाता है, कोई बात नहीं। आपको बड़ी गर्दन ही चाहिए, और थोड़ी बहुत भी गर्दन हो तो कोई बात नहीं है। मतलब मसला ये है, आपकी गर्दन होनी चाहिए। अगर आपकी गर्दन नहीं है ना, तो आपको थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए कि मैं बिना गर्दन का इंसान हूँ। अच्छा जी, अब एक बिना गर्दन का जो इंसान है उसने क्या काम किया है? बिना गर्दन के इंसान ने ये काम किया है कि उसने अपना एक थोड़े दिनों पहले वीडियो लगाया जिसमें जी वो आलू काट रहा था बैठ के, चिप्स बनाने लगा था जी। अच्छा जी, वो जब चिप्स बनाने लगा था ना, तो उसने उसमें लिख के टाइटल लगाया आ, तो चेहरा ही जल गया। अच्छा, मुझे पता था कि ये सिर्फ जल गया हद तक लिखने की है, कोई नहीं जला जुला। अगर जल गया होता तो बिना गर्दन का इंसान, गिटकू आदमी, गिट्ठा जिया नई वीडियो बना रहा होता? नहीं बना रहा होता। ये गिट्ठा जला नहीं है, ये गिट्ठा सिर्फ लगा रहा है। वाकई वहाँ फिर भी मैंने कहा चलो वीडियो देख लेते हैं। आप बेचारे ने इतनी मेहनत की है, अपने बारे में इतने बुरे लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि मैं जल गया मर गया, तो चलो कोई नहीं, इसकी वीडियो ही खोल लेते हैं। मैंने जब इसकी वीडियो खोली, वही बात, अंदर आलू लेके बैठा हुआ था जी, पूरा बाजार गया है, पहले कैचअप खरीदी है उसने जाके, उसके बाद चटनी खरीदी है, चटनी खरीद के घर आया बेचारा, आके जी आलू वाढ़ने बह गया, आलू वाढ़ता रहा, आलू वाढ़ बूढ़ के उसने, ये है कि गैंडा ला के आलू वाढ़े। उसकी बीवी कहती छेती नाल काम कर लो बिना गर्दन के बंदे जी, ते मैंने भूख लगी, मैंने बिस्कुट ले आ दो। तो जी उसका जो मुंडा है वो उसके सिर पे नचता रहा, उसकी कुड़ी भी उसके सिर पे नचती रही, ये कि सारी फैमिली सिर पे नचती रही। मुझे नहीं पता ये यूट्यूब का पैसा कहाँ करते हैं, यूट्यूब से ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं। लेकिन उनके एक ही रूम में उन्होंने चूल्हा भी बाड़ा हुआ है और अपना चार पहियाँ भी बाड़ी हुई हैं और उसी पर रजाइयाँ भी रखी हुई हैं और उसी के पूंजे बह के वो लोग आलू वाड़ वाड़ के पा लेते हैं। उसके बाद जी उसने कुकिंग ऑयल का एक पैकेट खोला, और ऑयल ही था शायद, हाँ घी था कि तेल था, तो खोला उसके बाद उसने फ्राई पान में बता पाया, उसके बाद उसने कैंडा ला के आलू वाडे। उसकी बीवी प्रॉपर बोलती रही कि छेती कर लो, वो मैंने भुख लगी थे, मैंने करके बिस्कुट ले आके दियो। इन्ने अक्कल के बंदे हैं, जब वो कैचअप पे चटनियाँ खरीदने गया उसको तब नहीं किया मैंने बिस्कुट ले आ दो। खैर उन्हें कैंडा लाया, उसने फिर तेल का पैकेट पाया अपने कढ़ाई में, उसके बाद उसने उसको गरम किया, गरम काढ़ कोड़ के जी उसने उसके बिना गर्दन, तो गर्दन नहीं है उसकी। उसके बाद उसने इतनी मेहनत की, उसे मोटे मोटे आलू काट कूट के उसने सुटे, उसके बच्चे उसके सिर पे नचते रहे जी। उसके बाद जी उसने आलू वाड़ वूड के कच्ची पक्की जैसी गंदी मंदी चिप्स जमीनों पर रखी हुई, छाबियाँ थालियाँ टोकरियाँ सारियाँ कुछ पाप हो के उसने कैंठा ला आलू के बना ली। अच्छा जी, उसके बाद वो ऐसे करके लेके थाली खड़ा हो गया, ये देखे ऐसे करके लेके खड़ा हो गया जी, मैंने चिप्स बना लिया घंटा लगा के, गर्दन उसकी है नहीं। अब उसे चिप्स तो बना लिया, वो मुझे समझ आती गर्दन उसकी नहीं है, वो खाना खाता जो डायरेक्ट पेट में गिरता होगा उसके, खाना मुंह से जाकर ना ठा ठा गिरना शुरू हो जाता होगा अंदर, गर्दन तो है नहीं, जहाँ से गुजर के जाना है आराम आराम से जाना है, एकदम से मुँह में गया ठा नीचे गिर गया, खाना ऐसे उसके जाता होना है। तो उसने चिप्स बनाई, इतनी से उसने चिप्स बनाई है घंटा लगा के, बच्चों ने उसके सिर पे नच गा के, उसके बाद उसने घंटा लगा के आलू वाड़ वूड के चिप्स खैर बन गई। लेकिन सारी वीडियो बनाने के बाद मैंने जो मेन बात थी वो आपको यही शुरू में बताई, वही जो मेन बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि सारा जो उसने एक टाइटल लगाया था लिख के कि ये देखें जी मैं वाह जल गया, तो उसमें जला जला कोई नहीं, आलू जरूर वड्डे गए, आलू जरूर अपनी जान से गए, लेकिन नसरुल्ला वीर कहीं भी जला नहीं, बिना गर्दन का आदमी कहीं कोई जला नहीं। उस पर तो इतना सा पिद्दू सा छींटा भी नहीं पड़ा घी का, तो काम क्योंकि करता है शुरू से काम, अब और तो काम करता नहीं है वो, क्योंकि काम पर तो जाता नहीं है, कोई कारोबार भी नहीं वो करता है, सारा दिन तो घर रहता है, बीवी की खिदमत करता है, बच्चों की खिदमत करता है। तो डायनासोर है उसकी बीवी, उसकी बीवी जो है जी वो बड़े बड़े उसके भी वाह वाह बुल रहे हैं, क्योंकि क्योंकि वो यकीनन से बात है बुल्लड़ों की बहन है। तो मैंने उसको देखा तो हुआ था, लेकिन इतने गौर से ना कभी मैंने उस पर गौर किया नहीं, समझ ही नहीं है इसकी शक्ल की। तो जब वो आलू खा रही थी ना बैठ के चिप्स, तो जो चिप्स खा रही थी ना बैठ के, तो उसके बाबा भी बड़े बड़े बुल थे, तो
तो उसका मुंह भी बहुत ही बड़ा है, तो एक बहन का मुंह वैसे फूला हुआ गुब्बारे जैसा है, एक बाकी सारे बुल्लड़ बुल्लड़ इकट्ठे हुए हुए हैं। ये इनकी ना खास कोई नस्ल है बुल्लड़ों की, क्योंकि ये आम लोगों में इतने बड़े बड़े बुल नहीं पाए जाते, और अगर हो भी जाए तो एक आध बहन भाई का होता है कि थोड़े से होंठ बड़े हैं या कोई ऐसा मतलब होता है। इनके सारों के बड़े बुल हैं। अब मैंने ना आज तो मेरे पास टाइम नहीं मिला, मैंने कल देखूंगी वीडियो लाजमी, हमारा के बुल भी बहुत बड़े बड़े होने हैं, क्योंकि इनके सबके बाल बुल बड़े बड़े हैं, इनके माँ के हैं लेकिन इतने नहीं बड़े जितने बच्चों के बड़े हैं। हालांकि माँ बाप की जो चीज़ होती है बच्चों में थोड़ी काम आती है, लेकिन इनमें कोई अजीब ही बात हुई है कि बच्चों ने वो इतने बड़े बुल कर लिए अपने, पता नहीं एक दूसरे के बचपन में मुक्के मारते रहे हैं ऊँटों पर, जितने बड़े बड़े इनके बुल हो गए हैं, या पता नहीं ये क्या करते रहे हैं, या अपनी चुमियाँ आप ही लेते रहे हैं, कितने बड़े इनके बुल हो गए। ऐसे तो बुल नहीं बड़े हो सकते इनके, इतने इतने एडा एडा तो इनका एक बुल है, 2-3 किलो का तो एक बुल है इनका, यानी कि 7-8 किलो का इनके 2 बुल्लों का पार है। तो कोई नहीं, उनके मुंह पे है ही बुल। अच्छा, बहन का ये मसला है, कल मैंने देखी जो उसकी बहन कि उसके बहन के बुल बड़े हैं, ऊपर से उसका मुंह भी बहुत बड़ा है। एक तो वो बिना गर्दन का आदमी है, वो ना पहले तो था, वो अगर उसके पहले आप वीडियो देखे ना तो पहले तो वो था, मतलब था मोटा, ये हालात ऐसे थे, लेकिन जब से उसके हालात हुए ना थोड़ा बेहतर हुए, यूट्यूब की इनकम आने लगी है, उसके बाद फूल बहुत गया है इनमें ना, यूट्यूब की इनकम ने हवा बहुत भर दी है, तो फूल ही इतना गया है, तो गर्दन उसकी थी और वो ऐसे करके हो गया। चलो पहले तो थोड़ा था, थोड़ी सी बहुत इतनी गर्दन थी, अभी तो जैसे फूल ही जा रहा है ना, वो कहता है मैं खूबसूरत बहुत हूँ, वो जब ड्रग्स की झाड़ी से पकड़ खड़े, मैं तो खूबसूरत ही बहुत हूँ ना, मैं अपने इतना बंदा बुरा लगता है ना सिर कते करता हुआ, कि मेरी वीडियो तक पहुंच जरूर, मैं यही कहूँगी बिना गर्दन के आदमी ऐसे हरकते ना करेगा, बंदा को ना देख के चिढ़ चिढ़ जाती गुस्सा आ जाता है, फिर तेरे पे तो गुस्सा हम निकाल नहीं सकते, फिर ये कि अपने बच्चों बच्चों पर बंदा गुस्सा निकालता है, तो अच्छी बात नहीं कि तेरी वजह से किसी और पर गुस्सा निकले, तो ऐसी हरकते ना किया कर, अभी पावर मुझे तो वैसे ही बड़ा अजीब लगने लग गया जब से तू झाड़ी के पास खड़ा हुआ ना ऐसे करके टहनी लेके। मैं एक तो तू है कोजू, रज के कोजू मोजू, गिठू गिटकू है तू, रज के और कोजू मोजू है, ऊपर से जब ऐसी हरकतें करता है ना इतना मुझे बुरा लगता है ना, बहुत ही बुरा लगता है। एक वो बुलड़ी, एक तू, तुम लोगों ने तो आती चुपकी हुई हो, ओवर ही हुए हुए, मतलब किसी की वीडियो बन रही हो, तुम लोगों ने आसमान से गिरना है, जमीन से निकलना है, पश्चिम से निकलना है, कहीं से भी निकलोगे तुम लोग निकलोगे जरूर, क्योंकि तुम लोगों को आग लगी होती है दुनिया की वीडियो में घुसने की। फिलहाल इन लोगों को तो दुनिया में घुसने की आग लगी हुई है, वीडियो इनका तो पता नहीं चलता, हर यूट्यूब की वीडियो अपलोड होती है उसमें अपनी अपनी टिंडे मुंडियां घुसा लें। तो फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इनकी वीडियो को बार बार देखूं और घुसूं उसमें, तो बाकी आप लोगों से मुलाकात तो होती रहती है, तो आइंदा भी होती रहेगी। फिलहाल आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोगों से जल्दी ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, इन्हीं की गर्दन बिना की बुलर्स की या किसी के भी, गंजू शर्मा की या अली वीर की। फिलहाल आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, फिलहाल जल्दी मुलाकात होगी आपसे, बाय बाय।